वंश बेटे, आप मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, क्या 12th क्लास के किसी भी बच्चे को कोचिंग की जरूरत है CUET के लिए? नहीं नहीं है। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स अपने आप हो जाते हैं? हाँ जी। कोई एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत नहीं है? नहीं। और जो GT होता है उसके लिए भी आपको लगता है कि सच में जरूरत पड़ती है, या ऐसी हम थोड़ी सी यूट्यूब से वीडियो देखेंगे तो हो जाएगा? तो ये जो 40-40 हज़ार रुपये जो इंस्टीट्यूट वाले लेते हैं, 70-70 हज़ार रुपये लेकर पेरेंट्स को लूटते हैं, देखा जाए तो लूटते ही हैं, गलत है ना? गलत है ना भाई। हमारी 12th क्लास में अगर अच्छी तरह से बच्चे पढ़ लें, अब आपके भी तो नंबर 90 से ऊपर आए हैं, आपने आराम से CUET का पेपर दिया, सब सब्जेक्ट्स सब बढ़िया हो गए CUET के, है ना? तो यही जो मैं बच्चों को बोलता था, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, उस बात से आप एग्री करते हो? ठीक है ना, ठीक, गुड। क्या सच में CUET के लिए कोचिंग की जरूरत होती है, खाली 12th की पढ़ाई अच्छी है? 12th की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में फंसने की जरूरत है नहीं ना? 40-40 हज़ार रुपए जो ले रहे हैं, 70-70 हज़ार ले रहे हैं, ये पूरे है ना, बेवकूफ बनाते ही नहीं बनाते कुछ। बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए, इससे बड़े कोई ऑनलाइन वगैरह। तो ऑनलाइन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑनलाइन में सस्ते में कोर्स भी हो जाता है, अदरवाइज 12th क्लास में बच्चा अगर ध्यान दे तो उसे कोई कोचिंग की जरूरत नहीं होती CUET के लिए। एग्री करते हैं इस बात से? डोमेन पढ़ने के लिए तो खासकर कोई है ना, कोई जरूरत नहीं होती है। बच्चों, CUET के नाम पर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको लूट रहे हैं। पूरे साल का कोई 60-70 हज़ार रुपये ले रहा है, कोई 40 हज़ार रुपये क्रैश कोर्स का ले रहा है, कोई 30 हज़ार रुपये ले रहा है, कोई 20 हज़ार रुपये ले रहा है, पर जो भी है आपको अच्छी तरह से लूटा जा रहा है। आप समझो इस बात को, कैसे समझो कि देखो, आपके पास सेक्शन 1 जो आएगा उसके अंदर लैंग्वेज आएगी, कोई भी लैंग्वेज, आप इंग्लिश लो, हिंदी लो, तमिल लो, मलयालम लो, पंजाबी लो, जो मर्जी लो, एक लैंग्वेज लेनी है। मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश ही लेते हैं, 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 अटेम्प्ट करने, राइट। सेक्शन जो 2 आएगा, सेक्शन 2 में 3 सेक्शन होंगे ABC, और ये आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं जो आपने 12th क्लास में पढ़े हैं, मान लो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और मैथ्स, या अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, या साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, है ना, ज्योग्राफी, कुछ भी ले लो आप, कोई भी 3 सब्जेक्ट ले लो आप। अब 50 में से 50-50 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से 40 आपने अटेम्प्ट करने हैं, राइट। ये जो सेक्शन 3 है, इस GT जिसको हम बोलते हैं जनरल टेस्ट, इसके अंदर रीजनिंग आती है और थोड़ी जनरल नॉलेज आती है और थोड़े अप टू 10th क्लास तक के क्वेश्चंस आते हैं। ये 60 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट के, उसमें से 50 अटेम्प्ट करने हैं। भाई, इसके नाम पर ही तो लूट रहे हैं आपको वो, है ना, और आप लोग मूर्ख बन रहे हो। हज़ारों रुपये आप जाकर कोचिंग सेंटर वालों को दे रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। और ये जो जनरल टेस्ट है, ये केवल और केवल उन बच्चों के लिए है जिन्होंने IP यूनिवर्सिटी से BBA BCA करनी है, या जिन्होंने साइंस स्ट्रीम से कॉमर्स स्ट्रीम में आना है, उन बच्चों के लिए, जिन्होंने अपनी स्ट्रीम को सेम रखना है और DU में जाना है, DU के टेस्ट के लिए सेक्शन 3 ज़रूरी नहीं है, जनरल टेस्ट ज़रूरी नहीं है। दोबारा सुन लो, अगर आपने DU में एडमिशन लेना है तो GT जो है सेक्शन 3, जो GT है जनरल टेस्ट, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, नहीं देना आपको। केवल अगर आपने IP यूनिवर्सिटी में जाना है या आपने किसी दिल्ली से बाहर की यूनिवर्सिटी में जाना है तो ये जनरल टेस्ट उन्होंने कंपलसरी किया हुआ है। और है कितना यार, 50 नंबर का ही तो है ये, तो आप ऑनलाइन YouTube से पढ़ लो अपने आप, तब भी आपके क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो आधा 247 वाला 1000-1200 भी लेता है, 2000 ले लेता है, क्यों आप दोगे कोचिंग सेंटर वालों को 20-20 हज़ार रुपये? अब रही बात डोमेन की, डोमेन कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला आपको नहीं पढ़ा सकता। आपने अपनी 12th क्लास में जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उन्हीं को बार बार करो, मार्केट में MCQ की बुक्स भी आती है उनको अच्छी तरह से कर लो, है ना, तो आपके पैसे पूरे बच सकते हैं। या आप 12th क्लास में जिनसे पढ़े हो आप उनसे पढ़ सकते हो, वो आपको फिर भी अच्छा पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो मैंने सुनने में आया है कि ये जितने भी बड़े बड़े कोचिंग सेंटर वाले हैं, मैं नाम किसी का भी नहीं ले रहा, आपको ये GT के नाम पर 40 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये क्रैश कोर्स, 20-20 हज़ार रुपये ये ले रहे हैं, मूर्ख ही तो बना रहे हैं आप लोगों को। और डोमेन की बात करोगे ना इनसे, तो वो पहले तो बोलेंगे हम आपको डोमेन करवाएंगे, बाद में बोलेंगे हम आपको ऑनलाइन करवाएंगे रात को, राइट, और सुबह ये करवाएंगे। GT में 2 घंटे आपके फंसा देंगे, गर्मी में आना जाना, और 2 घंटे आपको बिठाए रखेंगे, आपको आपका टाइम कितना वेस्ट कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है। आप मेन सब्जेक्ट ये पढ़ो ना यार, डोमेन जो सब्जेक्ट है वो पढ़ो, उन पर ध्यान दो। ये GT तैयारी, GT की जो तैयारी है वो रात को आप ऑनलाइन पढ़ लो YouTube से, बहुत लोग हैं 1000-2000 में पढ़ाने वाले, मत फंसो भाई, मत फंसो, मैं बार बार बोल रहा हूँ मत फंसो। और जो लोग फंस चुके हैं उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो हर बच्चे को समझाता हूँ, पर फिर भी कोई समझता है, कोई नहीं समझता।